Good morning everyone. Now children, after your exam gets over, let's continue our syllabus. Okay? But before starting this lesson, I would like to share some information about COVID-19. As you know that COVID-19 is spread out in all over the world. So, that circumstances, what will you do? How will you protect yourself? you will protect yourself you you will follow some rules okay first whenever you go outside you wear always mask okay don't forget mask and do sanitize uh, and third one is when you come back your home so that time first firstly you will do hand your wash. Okay. Now, let's continue our lesson. Lesson number 15 Mumbai. Mumbai. Mumbai, do you know that the Mumbai? Mumbai is the capital of uh, Maharashtra. Mumbai is the capital of Maharashtra. Okay. And uh, Mumbai is the big city, industrial city, and filmmaking city. Okay.

इट इज सिचुएटेड ऑन वेस्ट कोस्ट कहाँ पर सिचुएटेड है बच्चों ये वेस्ट कोस्ट में ठीक है ये कहाँ पर सिचुएटेड है वेस्ट कोस्ट में जैसे बच्चों ये क्या है यहां पर क्या है आपका महाराष्ट्र ठीक है यहां पर क्या है आपका महाराष्ट्र तो ये आपका एरिया कौन सा होता है वेस्ट एरिया

ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आर लोकेटेड इन मुंबई ठीक है ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिस जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिस हैं किसके गवर्नमेंट के सरकार के किस कौन सी सरकार के महाराष्ट्र की सरकार के ठीक है जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस है महाराष्ट्र की सरकार के आर लोकेटेड इन मुंबई वो कहाँ पर स्थित है बच्चो मुंबई में द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स लिव एंड वर्क हियर ठीक है द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर मिनिस्टर्स लिव एंड वर्क हियर दे ऑल आर लिव इन महाराष्ट्र ओके एंड दे वर्क हियर ये महाराष्ट्र में रहते हैं और यहीं पर क्या करते हैं काम करते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट Moderate it means uh, neither, neither very hot and nor very cold. Okay, it calls a moderate. The climate of Mumbai is moderate. it, was, it is a warm and humid in summer. द्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडर ठीक है, तो नमी भी होती है समर में क्या होता है गर्म भी होता है तो सम, नमी भी होती बट इन विंटर द वेदर इज अ प्लेजेंट लेकिन जब विंटर के समय आता है तो वेदर कैसा होता है बच्चों वहां का प्लेजेंट प्लेजेंट इट मीन सुहाना June July and August are the monsoon month with very heavy rainfall June July and August there are the three months, okay there are the three months are the monsoon month we call the monsoon month June July and August with heavy rainfall in that in uh, these months uh, these months uh, with heavy, uh, in these months heavy rainfall ओके okay. इन तीन महीनों में क्या होता है बच्चों मुंबई सिटी में क्या होता है बहुत ही क्या होती है बारिश होती है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फूड भेलपुरी वड़ा पाव एंड पाव भाजी आर पॉपुलर स्ट्रीट भेल भेलपुरी वड़ा पाव एंड पाव भाजी आर पॉपुलर स्ट्रीट फूड स्ट्रीट फूड इट मीन रोड के किनारे जो आप खाते हो जैसे आप गोलगप्पे खाते हो ठीक है टिक्की खाते हो तो मुंबई का जो फूड है वो क्या है बच्चों भेलपुरी वड़ा पाव और पाव भाजी क्या है बहुत ही पॉपुलर फूड है श्रीखंड श्रीखंड इज अ पॉपुलर स्वीट डिश ऑफ मुंबई ठीक है श्रीखंड वहां की क्या है पॉपुलर स्वीट डिश है फेस्टिवल्स अब देखो वहाँ बच्चों कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं वहाँ का जो मोस्ट जो पॉपुलर फेस्टिवल है वो क्या है बच्चों गणेश चतुर्थी दो गणेश चतुर्थी ज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इंडियन फेस्टिवलिटेड इन मुंबई ठीक है तो मुंबई में क्या होता है बहुत से फेस्टिवल सेलिब्रेट तो होते हैं सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं बट जो उनका गणेश चतुर्थी फेस्टिवल है वो सबसे ज्यादा क्या है पॉपुलर फेस्टिवल है जैसे बच्चों आपने देखा हो कोलकाता कोलकाता में भी सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं लेकिन जो वहां का दुर्गा पूजा होता है वो उनका क्या होता है मेन फेस्टिवल होता है ठीक है जो वो दुर्गा पूजा होती है उनकी वो बहुत बड़ी क्या होती है दुर्गा पूजा होती है तो इसलिए क्या होता है वहाँ का क्या है मेन जो फेस्टिवल होता है कोलकाता का दुर्गा पूजा मुंबई का गणेश चतुर्थी लैंग्वेज अब लैंग्वेज क्या होती है कि जिससे आप क्या करते हो कन्वर्सेशन करते हो अपनी बातें क्या करते हो कन्वे करते हो एक से दूसरे तक क्या है अपनी बातों को पहुंचाते हो ठीक है लैंग्वेज स्पोकन इफ यू विजिट मुंबई इफ यू विजिट मुंबई यदि आप क्या है मुंबई गए हो यू कैन सी आप क्या कर सकते हो देख सकते हो पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स

यहाँ पर आते हैं और यहाँ रहते हैं और अपना काम करते हैं काम इन द सेंस कि कोई भी अर्निंग का जो उनका अर्निंग का क्या होगा उनका साधन होगा ठीक है जो भी उनका अर्निंग जिससे वो अर्निंग करते हैं मनी अर्निंग करते हैं तो वो क्या है यहाँ पर काम करते हैं मोस्ट पीपल लिविंग हियर स्पीक मराठी और बहुत से लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों मराठी जो उनकी लैंग्वेज है महाराष्ट्र की वो क्या है बच्चों मराठी एंड कोकनी हिंदी उर्दू गुजराती इंग्लिश एंड मैनी अदर इंडियन लैंग्वेज आर स्पोकन ठीक है अब क्या है उनकी जो लैंग्वेज है वो मराठी लेकिन अब यहाँ पे जितने भी स्टेट के आए हैं उड़ीसा के बच्चों क्या होते हैं उड़िया होती है ठीक है राजस्थानी की राजस्थानी की क्या होती है राजस्थान राजस्थानी की क्या होती है दूसरी लैंग्वेज होती है राजस्थानी लैंग्वेज होती है गुजराती की गुजराती लैंग्वेज होती है मॉमडन जो होते हैं मुसलमान होते हैं वो उर्दू बोलते हैं ठीक है हम लोग क्या बोलते हैं हिंदू लोग क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं तो जितने भी लोग आते हैं उनकी क्या होती है सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है तो यहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो सब क्या बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज होते हैं लेकिन जो महाराष्ट्र की मेन जो लैंग्वेज है वो क्या है बच्चों मराठी है ठीक है जो इनकी लैंग्वेज है मेन जो लैंग्वेज है वो कौन सी है मराठी है टूरिस्ट अट्रैक्शन अब टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द सेंस की वहां पर क्या है टूरिस्ट का ऐसे कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जिससे आप क्या हो अट्रैक्ट हो जिससे आपका मन करे कि नहीं मुझे क्या है मुंबई सिटी घूमने जाना है तो ऐसा वहां पर क्या है ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट क्या विजिट मुंबई एवरी ईयर एंड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इज द गेट वे ऑफ इंडिया ठीक है जो बच्चों वहां पर क्या है मुंबई विजिट करने जाते हैं ठीक है मुंबई विजिट करने जाते हैं तो वहां पर कौन कौन से प्लेसेस ऐसे हैं जो क्या है वहां पर फेमस है ठीक है जैसे आप ये देख सकते हैं लुकेट दिस पिक्चर ये क्या है बच्चों गेट वे ऑफ इंडिया ठीक है ये क्या है बच्चों गेट वे ऑफ इंडिया An important landmark is the Gateway of India. Close to it are statues of Shivaji and Swami Vivekanand. ठीक है? An important landmark is the Gateway of India जो important है मतलब क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए आ, वेयर इज दर सिचुएटेड गेट वे ऑफ इंडिया तो क्या कहोगे मुंबई कहाँ सिचुएटेड है मुंबई और उसी के नजदीक पे क्या है क्लोज टू इट आर स्टैचू ऑफ शिवाजी उसी के नजदीक पे क्या है बच्चों? शिवाजी और स्वामी विवेकानंद का क्या है स्टैचू भी है ठीक है गेट वे ऑफ गेट वे ऑफ इंडिया के नजदीक पे क्या है क्लोज में क्या है शिवाजी और स्वामी विवेकानंद का स्टेच्यू है सम ऑफ द अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर मैरिन ड्राइव कनेरी केव्स। अब देखो बच्चों ये क्या है? टूरिस्ट प्लेसेस हैं। मैरिन ड्राइव कनेरी केव्स, एसएल वर्ड हैंगिंग गार्डन कमला नेहरू पार्क जहांगीर आर्ट गैलरी तेरोवि एक्वेरियम हाजी अली दरगाह सिद्धिविनायक टेम्पल एंड माउंट मैरी चर्च ठीक है तो ये क्या है बच्चों अब क्या है टूरिस्ट प्लेसेस हैं देयर आर मैनी बीचेस इन मुंबई लाइक चौपाटी वर्सोवा मार्व एंड जूहू ठीक है अब क्या है मुंबई में क्या है चौ सॉरी बीचेस भी हैं बीचेस भी हैं ठीक है बीच कहते हैं बच्चों समुद्र के किनारे अब कौन कौन से हैं चौपाटी वर्सोवा मार्व एंड जूहू ये क्या है बच्चों क्या है ये बीच अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन तो क्या है टेल द अगर आपसे पूछा जाता है टेल द नेम ऑफ सम बीच इन मुंबई ठीक है तो आपके आंसर दोगे चौपाटी वर्सोवा मार्व एंड जूहो और मैरिन ड्राइव भी है ठीक है ये भी क्या है बच्चों बीच है नेक्स्ट है आपका एलिफेंटा गुफा ठीक है एलिफेंटा के नेक्स्ट क्या है आपका एलिफेंटा केव टेन किलोमीटर फ्रॉम मुंबई आर द एलिफेंटा केव दस किलोमीटर मुंबई से क्या है दस किलोमीटर आगे क्या है बच्चों वहां पर एलिफेंटा केव है ठीक है देयर आर फोर रॉक का टेम्पल्स इन दीज केव्स अब ये जो अम्म एलिफेंटा केव है बच्चों गुफा है ये किसका वो है प्रतीक है सिंबल है लॉर्ड शिवा का ठीक है इसी किसका प्रतीक है शिव जी का कहते हैं कि इसमें क्या है तीन फेस शिव जी के कितने फेस बने हैं बच्चों तीन फेस बने हैं ठीक है ठीके? और इसकी जो कलाकारी जो इसमें जो नकासी हुई है जो बनाया है जो कलाकारी की है वो बहुत ही कैसी है बच्चों बहुत ही सुंदर कलाकारी की है तो इसे क्या है वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने क्या है इसे वर्ल्ड हेरिटेज क्या कर दिया है अनाउंस किया है वर्ल्ड हेरिटेज इट मींस हेरिटेज किसे कहते हैं बच्चों जैसे कुछ चीजें क्या होती हैं? बहुत ही अनमोल अनोखी होती हैं, ठीक है ठीके? बहुत ही अलग होती हैं। उसे कहते हैं हेरिटेज मतलब बहुत पुराना सा ठीक है बहुत पुराना तो ये क्या है एलिफेंटा गुफा बहुत पुरानी है और बहुत ही क्या है सुंदर है तो इसे क्या है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज क्या है अनाउंस कर दिया है नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट सिटी हैज ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया दिटी है uh, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही क्या है फैंटास्टिक है मतलब बेस्ट है ठीक है वहां पर क्या है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है मोस्ट ऑफ द पीपल कॉम्युनि कम्यूट बाय बस एंड लोकल ट्रेन ऑल्सो कॉल सब सबर्न ट्रेन्स द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज दिजियस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री मोस्ट ऑफ द पीपल कम्यूट बाय द बस एंड लोकल ट्रेन्स ठीक है जो बहुत से लोग होते हैं वो कैसे आते हैं बच्चों जब अपने वर्क में जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं या तो वो बस से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाते हैं ठीक है अब जो वहां का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है बच्चों वो कौन सा है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है सबसे जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो क्या है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 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 मुंबई देन यू कैन यू गिव द आंसर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज क्या है वहां पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है कौन कौन सी फैक्ट्रिया क्या है वहां पर चलती हैं और इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट मतलब जिसमें क्या आप पढ़ाई करते हो मुंबई हैज मैनी फैक्ट्रीज मुंबई में क्या है बहुत सी फैक्ट्रीज हैं बहुत सी ठीक है मुंबई में क्या है बच्चों बहुत सी क्या है फैक्ट्रीज हैं बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग क्या जा रहे हैं बस से, से ट्रेवल कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है और ये क्या है बच्चों बॉम्बे हाई These factories make textile, medicine, oils, chemicals, and electronic goods. ठीक है अब wahan pe कौन कौन सी factories hain कौन कौन सी industries hain टेक्सटाइल टेक्सटाइल होता है बच्चों कपड़ों की फैक्ट्री जहाँ पर क्या बनते हैं कपड़े बनते है, medicine, हैं medicine दवाइयाँ ठीक है ऑयल केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन बॉम्बे हाई ऑफ द मुंबई कोस्ट Lies one of the India's most important oil fields. Here crude oil is extracted from the seabed. Petrol and diesel are produced from this crude. Sorry, crude. और अब बॉम्बे हाई क्या है बच्चों मुंबई का क्या है एक कोस्ट है यहाँ पर क्या होता है सबसे ज्यादा क्या निकलता है तेल निकलता है और इसी तेल का यूज पर किया जाता है आपके एरोप्लेन में भी यूज किया जाता है और जो शिप होते हैं शिप में भी क्या है इन्हीं तेल का क्या करते हैं यूज करते हैं ठीक है ठीके? ये तो था बच्चों ये क्या था इंडस्ट्रीज ये क्या थी मतलब आपकी क्या थी इंडस्ट्रीज अब क्या है आपका इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट क्या है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन मुंबई आर द दाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर बी ए आर सी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टी आई एफ आर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई आई टी मुंबई ऑल्सो हैज अ थिवरिंग फिल्म इंडस्ट्री कॉमनली कॉल्ड बॉलीवुड ठीक है मुंबई में क्या है बच्चों फिल्म इंडस्ट्री भी है ठीक है वहां पर क्या आपको पता है कि वहां पर क्या है बहुत बड़ी क्या है फिल्म इंडस्ट्री भी है और उसको हम क्या, क्या, क्या करके बुलाते हैं ज्यादातर लोग उसको किस नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं बच्चों मुंबई किस नाम से जाते हैं जानते हैं मुंबई ना ओके चिल्ड्रन हियर आई विल एक्सप्लेन द वर्कशीट ना फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड

कैपिटल कौन सी है किसे हम क्या है इंडस्ट्री मतलब वहां पर क्या होता है बच्चों फाइनेंशियली क्या है कोई भी क्या है वीक नहीं होगा वहां पर कोई ना किसी न किसी को कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा तो इसलिए कहते हैं उसको फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल किसको कहते हैं बच्चों मुंबई को इन मुंबई व्हाट इज द पोर्ट ट्रस्ट इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया इंडिया का क्या है सबसे बिगेस्ट पोर्ट मुंबई में कौन सा है तो कौन सा है बच्चों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ठीक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वॉट इज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट इन मुंबई मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है बच्चों छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट

क्वेश्चन नंबर टू दिस ब्यूटिफुल एंड इम्पोजिंग इन द मिडिल ऑफ द सी ठीक है समुद्र के किनारे बच्चों क्या है सुंदर सा जो मॉस्क्यू है कौन सा लोकेटेड है मतलब स्थित है तो कौन सा है हाजी अली दरगाह इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द सी थर्ड वन इज ऑफ विच स्टेट मुंबई इज द कैपिटल कौन सा स्टेट है जिसकी कैपिटल क्या है मुंबई है तो मुंबई किसकी कैपिटल है बच्चों महाराष्ट्र मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र किसकी कैपिटल है बच्चों महाराष्ट्र की विच इज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन मुंबई अब मुंबई के क्या है फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट स्पॉट मतलब जहां हम घूमने जा सकते हैं वो कौन कौन से है तो कौन कौन से है बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया हाजी अली दरगाह एलिफेंटा गुफ केव्स एलिफेंटा केव्स सिद्धि विनायक टेम्पल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एचल वर्ड संजय गांधी नेशनल पार्क कनेरी केव एटसेट्रा ठीक है ये क्या है बच्चों टूरिस्ट प्लेसेस हैं ठीक है अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव राइट द नेम्स ऑफ सम फेमस बीचेस इन मुंबई अब आपको मुंबई के क्या हैं? कुछ जो फेमस बीच हैं, उनके नेम बताने हैं ठीक है कौन कौन से हैं जुहू बीच चौपाटी बीच अक्स बीच मड आइलैंड बीच वर्सोवा बीच मार बीच एंड मनोरी बीच ये क्या है बच्चों कुछ बीच के नाम है क्वेश्चन नंबर थ्री इज लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ मुंबई अब बच्चों मुंबई का क्लाइमेट कैसा होता है क्या बताया था आपको कैसा क्लाइमेट होता है मॉडरेट कैसा क्लाइमेट होता है बच्चों वहां पर मोडरेट

वो क्या करता है हमेशा मोडरेट uh, रहता है ना ही वहाँ पे ज्यादा गर्म होता है और ना ही वहां पर ज्यादा ठंडा होता है वट इज द बॉम्बे हाई बॉम्बे हाई क्या है इन बॉम्बे हाई क्रूड ऑयल इज टेकन आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द सी दिस ऑयल इज रिफाइंड एंड यूज फॉर द रनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स इट ऑल्सो यूज फॉर रनिंग शिप्स एंड एरोप्लेन्स अब बॉम्बे हाई में क्या होता है बच्चों बॉम्बे हाई क्या है ये क्या है यहाँ पर क्या होता है ऑयल निकलता है ठीक है यहाँ पर क्या है ऑयल निकालता है और कहाँ से निकलता है सी से सी जो अंदर से क्या है समुद्र के अंदर से ऑयल निकालते हैं और उसको क्या है फिर रिफाइन करते हैं रिफाइन इन द सेंस कि प्योरीफाई करते हैं ठीक है और उसके बाद उसका यूज़ कहाँ करते हैं व्हीकल्स में करते हैं वकल्स के साथ साथ उनका यूज कहाँ होता है शिप और एरोप्लेन में भी करते हैं डिस्क्राइब द एलिफेंटा डिस्क्राइब द एलिफेंटा केवस एलिफेंटा केव सिचुएटेड ऑन एलिफेंटा आइलैंड ठीक है वो कहाँ सिचुएटेड है एलिफेंटा आइलैंड लोकली नोन एज गुरी दिटी ऑफ केवस द केव्स कंटेन स्कल्पचर्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड बुद्धा ठीक है जो वहाँ का जो स्कल्पचर है मूर्ति है वो क्या है लॉर्ड शिवा और बुद्धा से रिलेटेड है ठीक है उनको डेडिकेट किया मतलब उन्हीं का क्या है वहाँ पर क्या है मूर्ति बनाई गई इट हैज मैनी रॉक आउट टेम्पल्स वहां पर क्या है बहुत से क्या है चट्टानों के क्या बने हैं टेम्पल्स बने हैं एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेबर द एलिफेंट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर क्या होता है फरवरी के महीने में क्या होता है एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जिसे क्या कहते हैं एलिफेंट एलिफेंट फेस्टिवल्स कहते हैं ठीक है ना चिल्ड्रन योर चैप्टर हैज बिन फिनिश्ड ओके थैंक यू चिल्ड्रन अ नाइस डे